नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। तीरथ कैबिनेट ने आज प्रदेश के विकास और कोविड नियंत्रण को लेकर कैबिनेट में 12 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। फूलों की घाटी इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत हेमकुट साहिब घांगरिया लोकपाल मंदिर संशोधित प्रस्ताव के अंतर्गत बाहर करते हुए आबादी विहीन क्षेत्र के रूप में पुनर्प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण 2000 के अंतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्र आवासीय औद्योगिक वाणिज्यिक और शांत क्षेत्र में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कोविड के लिए विधायकों को 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई थी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाली अधिप्राप्ति नियमावली की छूट भी इस पर लागू होगी। इको पार्क नरेंद्र नगर मुनि की रेती सोसाइटी मॉडल में चलाई जाएगी। वहीं साथ ही राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की सेवा नियमावली प्रख्यापित की गई है। रामनगर में पुरानी तहसील की खाली भूमि प्राधिकरण को बहुमंजिला पार्किंग बनाने के लिए भी निःशुल्क दिया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भटवाड़ी में स्वामी विवेकानंद हेल्थ सोसाइटी को 2.4 हेक्टेयर जमीन खरीदने के लिए स्टैंप ड्यूटी में छूट दी जाएगी। साथ ही हरिद्वार पिथौरागढ़ रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में संविदा के आधार पर कार्य करने वाले प्राचार्य को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार इस आशय से दिया जाएगा कि इनके साथ संयुक्त हस्ताक्षर वित्त नियंत्रण के भी होंगे। मेरा अस्पताल हरिद्वार को मिलने वाली MRI मशीन को दिल्ली से इस आशय से लाने की अनुमति दी गई है कि पहले केंद्र सरकार से अनुमति ली जाए। साथ ही कोविड को देखते हुए राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खाद्य योजना के अंतर्गत 3 महीने के लिए 2 किलो चीनी प्रतिकार 25 रुपये किलो की दर से दी जाएगी। साथ ही जल जीवन मिशन में 2 करोड़ तक के कार्य की तकनीकी परीक्षा स्वीकृत अब शासन के बजाय जिलाधिकारी जनपद स्तर की समिति के माध्यम से अनुमति दे सकेंगे। जल जीवन मिशन में जो प्राविधान है उसमें 2 करोड़ रुपए तक के काम की स्वीकृति का अधिकार जिलाधिकारियों को है, 5 करोड़ तक का अधिकार विभागीय मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति को है और 5 करोड़ के ऊपर एक शासन की जो नियमावली है प्रोक्योरमेंट नियमावली उसके हिसाब से 5 करोड़ के ऊपर स्वीकृति का प्राविधान है। इसमें जो जिलाधिकारी को 2 करोड़ की अनुमति थी उसकी स्वीकृति तो मिल जाती थी लेकिन TAC के लिए उसको शासन को भेजा जाता था। तो ये निर्णय लिया गया कि 2 करोड़ तक के कामों की TAC भी जनपद स्तर पर कर दी जाए ताकि कामों को गति मिल सके और शीघ्र कामों को पूरा किया जा सके। हरिद्वार के मेला अस्पताल ब्लड बैंक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में पहुंचे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तराखंड स्वामी यति स्वरानंद महाराज ने कार्यकर्ताओं की सराहना की और कहा कि कोरोना काल के चलते ब्लड बैंक में रक्त की कमी होने की वजह से कई संस्थाओं से आग्रह किया गया है जिससे कि रक्त की कमी को दूर किया जा सके। इसी को लेकर आज भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस कोरोना काल में हरिद्वार के ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्र में लगातार सजग नजर आ रहे हैं। वहीं BJP द्वारा क्षेत्र में लगातार सैनिटाइजर का छिड़काव भी किया जा रहा है। यहां वरिष्ठ BJP नेता पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक के नेतृत्व में कालाडूंगी क्षेत्र के कई इलाकों में सैनिटाइजेशन भी किया गया। इस दौरान BJP नेता मनोज पाठक खुद ही ट्रैक्टर से क्षेत्र के कई ग्रामीण इलाकों में घर घर सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं। साथ ही उनके द्वारा जरूरतमंद लोगों को राशन तेल के साथ साथ मास्क सैनिटाइजर और साबुन का वितरण भी किया गया। पौड़ी में अस्पतालों का लगातार निरीक्षण कर रहे पौड़ी विधानसभा के विधायक मुकेश कोहली को आशा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर अपनी प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने की मांग की। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना दौर में वो पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं और ग्रामीण क्षेत्रों तक हर संभव मदद को पहुँचा रही हैं। बावजूद इसके सबके उन्हें जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो कार्य के हिसाब से बहुत कम है। साथ ही ये प्रोत्साहन राशि भी उन्हें समय से नहीं दी जाती और ना ही कोई अन्य भत्ता सरकार द्वारा उन्हें दिया जाता है जिससे आर्थिकी की समस्या से आशा कार्यकर्ती हमेशा जूझती रहती हैं। ऐसे में संबंध में पौड़ी विधानसभा के तीनों ब्लॉकों में आशा कार्यकर्ताओं ने विधायक मुकेश कोहली को प्रोत्साहन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 तक बढ़ाने के लिए अपना मांग पत्र सौंप दिया जिस पर विधायक पौड़ी मुकेश कोहली ने आशा कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया कि वो इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे।
हरिद्वार में कोविड 19 को लेकर उत्तराखंड पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और जो लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं उनका पुलिस चालान कर रही है। जहां उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू की मियाद 25 मई से 1 जून तक बढ़ा दी गई है, तो वहीं सरकार ने इस कोरोना कर्फ्यू में थोड़ी बहुत दुकानों को छूट की राहत भी दी है, लेकिन हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों में लोग कोविड 19 कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार पुलिस सड़क पर उतर कर लोगों को नियमों का पालन कराने के लिए कह रही है, उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे। देखिए, कोविड कर्फ्यू जो है जनता का भलाई के लिए सरकार द्वारा किया जा रहा है और इसमें यह है कि जनता का सहयोग जब तक नहीं रहेगा तब तक जो है इसका सफल होने का जो है संभावना कम रहता है, लेकिन जनता ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। उसका जो नतीजा जो है हम अभी डेली केसेस का गिरावट में हम देख सकते हैं। उत्तराखंड बहुत अच्छा कोविड नियंत्रण में जो है हमारा सरकार द्वारा, हमारा जिला प्रशासन द्वारा जो बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। अभी जो भी इस कर्फ्यू से हमें सहयोग नहीं करते उनको पुनः हम अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें सहयोग करें और जो है 1-2 हफ्ते के अंदर जो है इसके बिल्कुल हम जीत कर हम बाहर आ सकें। कोई भी जो है जो सरकार का नियम का पालन नहीं करता उनको विधिवत रूप से कार्रवाई किया जाए। इसका जुर्माना भी 500 रुपये का बढ़ाया गया है, तो जो है जो भी हम चलना करते हैं 500 रुपये बढ़ाया गया है। और बिना मास्क नहीं है, जो मास्क सही तरीके से पहनते नहीं है उनको भी जो है उनके ऊपर भी। हिंदू सनातन परंपरा में अंतिम संस्कार के बाद जब तक अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित नहीं किया जाता माना जाता है तब तक मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। धर्म नगरी हरिद्वार में आज करीब 400 लोगों को की लावारिस अस्थियों का एक साथ विसर्जन किया गया। कोरोना से मौत होने के बाद लोगों के परिजन दिल्ली के कई शमशान घाटों पर ही अस्थियों को लावारिस छोड़ गए थे। दिल्ली स्थित राजमाता झंडेवाला मंदिर के प्रमुख स्वामी राजेश्वर आनंद ने शमशान घाटों से इन अस्थियों को इकट्ठा किया और पूरे विधि विधान से हरिद्वार की सती घाट पर मां गंगा में विसर्जित किया। स्वामी राजेश्वरानंद कोरोना काल में अब तक लगभग 1000 लोगों की लावारिस अस्थियों का विसर्जन कर चुके हैं और ये काम करते हुए वो खुद को एक बार कोरोना से भी पीड़ित हो चुके हैं। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में स्वामी रामदेव पर तत्काल कार्रवाई कर गिरफ्तार करने को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पतंजलि के गेट पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन भी किया, बाबा रामदेव के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बता दें, एलोपैथी प्रणाली पर की गई बाबा रामदेव की विवादित टिप्पणी के बाद देश भर में बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए थाना अध्यक्ष बहादुरवाद के नेतृत्व में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। कोविड 19 संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं के प्रतिष्ठानों को एक निर्धारित समय तक खोलने के दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद सभी तरह की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया था। नवोदय नगर में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश और SOP के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए नवोदय नगर में जिम संचालक के द्वारा जिम खोलकर सभी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, जिस पर LIU आरक्षी हरीश रावत की सूचना पर थाना सिद्धकुल पुलिस के द्वारा जिम को बंद कराया गया। गंग नहर कोतवाली पुलिस ने चोरी की 6 मोटरसाइकिल के साथ अंतर्राज्य गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी अभी भी फरार है। मामले का खुलासा करते हुए SP देहात परमिंदर सिंह डोभाल ने बताया कि लगातार हो रही वाहनों की चोरी पर लगाम कसने के लिए टीम का गठन किया गया। 27 मई को टीम को सूचना मिली थी कि मोटरसाइकिल चोरी करने वाले कुछ आरोपी कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गाँव स्थित एक खंडहर में चोरी की मोटरसाइकिलों को खुर्द बुर्द करने की फिराक में है। पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 6 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, जिनमें से 3 गाड़ी रुड़की क्षेत्र और 3 मोटरसाइकिल उत्तर प्रदेश क्षेत्र से चोरी होने की बताई गई हैं। कोरोना और कर्फ्यू के चलते अवैध कच्ची शराब का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। कार्रवाई से पहले ही आरोपी फरार हो जाते हैं, लेकिन आबकारी विभाग के साथ ही पुलिस की कार्रवाई भी कच्ची शराब के कारोबार पर लगाम नहीं लगा पा रही है। शुक्रवार को हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र से सहदेवपुर गांव में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर 6 ड्रमों में बनाई जा रही करीब 2000 किलो कच्ची शराब बनाने वाला लहन नष्ट किया और शराब बनाने के अन्य कई सामान भी बरामद किए हैं। कोरोना संकट में जनपद पुलिस कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु SSP हरिद्वार की नई पहल की गई है। प्रति महीने आयोजित होने वाला मासिक सम्मेलन पुलिस विभाग की एक पुरानी परंपरा रही है, जिससे हर महीने प्रत्येक थाने और अन्य समाज शाखाओं से 2 से 5 कर्मचारीगण सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं को जनपद के कप्तान के सामने रखते हैं, जिनका महोदय द्वारा मौके पर ही संबंधित को निर्देशित भी कर निस्तांतरण भी किया जाता है। परंतु इस कोरोना काल की वजह से संपन्न हुई क्राइम
मीटिंग में कम संख्या में सम्मिलित हुए कर्मचारी गणों को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार द्वारा पुरानी परंपरा को जीवित बनाए रखने के लिए विचार किया और वैकल्पिक तौर पर आधुनिक तकनीकी का सहारा लेते हुए जनपद के प्रत्येक कर्मचारियों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए गूगल मीट के प्रयोग का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।